सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ओन चैनल। कैसे हो आप सब? सो आई होप आप सब बढ़िया हो गए। टर्म टू की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो कॉमर्स में एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। बच्चे बोलते हैं इसमें परेशानी है, कैसे ठीक की जाए। और मैंने आपके साथ एक चीज़ बोली थी और वो प्रॉमिस आज मैं पूरा करूँगा। मैंने आपको बोला था अकाउंट्स में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बिकॉज हर एक चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, सिर्फ वही करने हैं, आंखें बंद करके और कुछ भी नहीं करना, ठीक है? तो सोचो आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे, बस वो कर लेना और आपका पूरा चैप्टर फिटूस हो जाएगा। आज हम शुरू करें डेथ ऑफ अ पार्टनर से, प्लीज़ इनको कर लेना, ठीक है? सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं, अगर 6 क्वेश्चंस कर लिए डेथ ऑफ अ पार्टनर, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो मेक श्योर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब सर सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन आंसर्स कैसे मैच करें? टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाओ और वहाँ पर मैं आंसर्स पोस्ट कर दूँगा सॉल्यूशंस, ठीक है? फिर भी कोई समझ नहीं आएगा तो क्या करेंगे सर? सॉल्यूशन पूरा चाहिए होगा तो आप यहाँ पे कमेंट कर दोगे, मैं लाइव आके आपको समझा दूंगा। और बोलो, अगर आपकी डिमांड आएगी लाइव आएंगे और सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे हर एक चैप्टर के करेंगे, ताकि ये मेक श्योर हो पाए जो आपको क्वेश्चन टफ लगे हैं वो मैं लाइव में समझा दूँ, ताकि पेपर में कोई डिफिकल्टी ना हो पाए। तो 6 क्वेश्चन जो मैंने हैं वो आपके स्क्रीन पे भी आ जाएंगे। मैं जल्दी से थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूँगा, ताकि आप इसको अपने एंड पे सॉल्व कर लेना, ठीक है? कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ पे आपको पार्टनर का जो डिसीज पार्टनर है, मतलब जो पार्टनर की डेथ हुई है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बताना है। और किसके थ्रू बताना है? सेल्स के थ्रू। आपको यहाँ पे सेल्स गिवन है, ठीक है? पिछले साल की गिवन है और इस साल का भी आपको प्रॉफिट निकालना, उसके बेसिस पे। आई होप आपने किया होगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन क्या बेटा? जर्नल एंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है डेथ ऑफ अ पार्टनर की। और इसमें एक चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं, बस गुडविल और प्रॉफिट की एंट्री पास करते हैं। बेटा क्वेश्चन में देखो लिखा क्या है, द टोटल अमाउंट पेबल टू करीम्स एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ। तो आपको करीम के एग्जीक्यूटर को अमाउंट ट्रांसफर करके पे भी करना है, उसकी 2 एंट्रीज भी करना। ये ना खाली 2 एंट्रीज कर लो प्रॉफिट की, गुडविल की। आपको जो एग्जीक्यूटर को पे करना है उसकी एंट्री ट्रांसफर करने की, और एंड में जो पे की है उसकी भी एंट्री करनी है, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन ये था, आई होप आपने पढ़ लिया हो। स्क्रीनशॉट ले लेना या साथ साथ निकाल भी लेना, जैसे आपको ठीक लगे। मैं टेलीग्राम पे इसके आंसर्स पोस्ट कर दूंगा, एक बार चेक कर लेना। थर्ड क्वेश्चन बेटा, फिर जर्नल एंट्रीज ही है, बट उसमें क्या फ़र्क था? पिछले क्वेश्चन में आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट आपको गिवन था ऑन द बेसिस ऑफ कि पिछले 2 साल के प्रॉफिट, पिछले 3 साल के प्रॉफिट, ऐसे। अब जो थर्ड क्वेश्चन, इसमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, बट जो द प्रॉफिट निकालना है वो आपको सेल्स के थ्रू निकालना है, बस इतना सा फर्क है और कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है XYZ वाला, ठीक है? यहाँ पे आपको सेल्स गिवन है पिछले साल की, और इस साल की भी सेल्स गिवन है जब तक वो बंदा जिंदा था, उसके बेसिस पर आपको निकालना। आई होप आपको आता होगा, नहीं आता कोई इशू नहीं, कमेंट कर देना, आई ट्राई कि मैं लाइव आके आपके साथ इसको सॉल्व करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक बाबू एंड चेतन, नाम बड़े अच्छे हैं यार, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ना बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दिया है। सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है ये। फेवरेट क्यों? क्योंकि सीबीएसई एक नया क्वेश्चन आपको देखेगा फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। तो मैंने जो हो पाता था, जो पॉसिबल है कि सीबीएसई दे सकता, तो मैंने वैसा कन्वर्ट कर दिया। एक बार क्वेश्चन को रीड कर देना, कुछ नहीं बताया कि यार जो अशोक है उसकी डेथ हो गई है, उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है, उसका प्रॉफिट कैसे निकालना है वो गिवन है, गुडविल कैसे निकालनी है वो गिवन है, एंड उसने कुछ ड्राइंग्स की है, कुछ उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की है, और सब कुछ मिला के उसका पैसा आपको पे कर देना है। तो एक बार अपने एंड से सॉल्व करना। अमाउंट्स भी गिवन है, सिर्फ आपको वहाँ पे फिगर वो जो इनकी 2 लगा के बाय लगा के बनेगी, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या आएगा, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, 2 गुडविल में क्या आएगा, मतलब जो उनके पार्टनर से गुडविल लेगा वो सब कुछ लिखना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है? कर लेना। नेक्स्ट प्रिपेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5th, देखो क्वेश्चन में 4th, 5th और 6th एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो अगर आपको 4th आता होगा तो 5th में इतनी डिफिकल्टी नहीं होने वाली और 6th में भी नहीं होनी चाहिए, बस एक एक स्टेप एक्स्ट्रा है उसमें, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन में 5th है, आपको वीनस कैपिटल अकाउंट बताना है जो एग्जीक्यूटिव उसको पे कर रहे हो, ठीक है? जो उसके एग्जीक्यूटिव को पे कर रहे हो सेम है, बस इसमें 2 से 3 चीज़ें थोड़ी ऐड हो गई हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। पिछले क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स थे, यहाँ पे आपको प्रॉपर खुद ही बनाना पड़ेगा उसका कैपिटल अकाउंट जिस पार्टनर की डेथ हुई है, दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम है। उसको कितनी सैलरी देनी है, क्या उसका शेयर ऑफ गुडविल है, क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट है। एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को डिफिकल्टी हो सकती है, एक बार देख लेना, नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको लाइव में आके समझा दूंगा, ठीक है? इलस्ट्रेशन 54, अच्छा वो नंबर गिवन है, तो राम रहीम एंड रॉबर्ट, ठीक है, RRR, उन्होंने शेयर किया प्रॉफिट 2:3:1 में, उनके आपको बैलेंस शीट गिवन है पिछले साल की, जब वो जिस साल मरा उसे पिछले साल की बैलेंस शीट आपको गिवन है। सपोज की डेथ हुई 30 सितंबर 2013 की, एंड 31 मार्च 2013, मतलब जो पिछली उनकी ओपनिंग बैलेंस शीट थी वो आपको गिवन है, और उसी बेसिस पे बोला है आप रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट बनाओ जिसकी डेथ हुई है, ठीक है?
गुडविल आपको निकालनी है कैसे वो गिवन है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है वो गिवन है। दो से तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट से ध्यान से पढ़ना, लैंड वॉज अंडर वैल्यू इतनी हो गई, स्टॉक ओवर वैल्यू इतना हो गया, आपको डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन बनाना है, क्लेम ऑफ कंपनसेशन कितना है वो बताया हुआ है। तो इसके लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, आई होप आपको आता होगा, उसके थ्रू प्रॉफिट निकलेंगे और वो ऊपर जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होंगी, बस यही क्वेश्चन कर लेना मोर देन सफिशिएंट है। हाँ देखो रिटायरमेंट में वो दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे, मैं कवर कर लूँगा वहाँ पर, वो क्या है बेसिकली आपके रेशियोज के क्वेश्चन, जैसे सपोज 2:3:1 था, पार्टनर चला गया तो अब रेशियो बन गई 2:3 की। ठीक है, अगर आप रिटायरमेंट में सॉल्व करोगे तो डेथ में ऑटोमेटिकली सॉल्व होगी, तरीका दोनों का सेम है। तो मैं रिटायरमेंट के जब लाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे एक दो डाल दूंगा, ज़्यादा जरूरत नहीं है उसकी, तो आपका डेथ कंप्लीट हो जाएगा, बस ये कर लेना, डेथ से आपकी छुट्टी हो जाएगी। देन अगला मैं बता देना कौन किस पे लाऊं, कंपेटिटिव फॉर्म में लाऊं, कैश फ्लो पे लाऊं, एनपीओ पे लाऊं, रिटायरमेंट पे लाऊं, डिसोल्यूशन पे लाऊं, किस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए मुझे बता देना। ठीक है, अगली वीडियो बहुत जल्दी आएगी, सो आई होप आपको आज की मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी, इसको प्यार जरूर देना और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे, अपना प्यार बनाए रखना, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।